मैं परजीवी जंतु क्लास 12 लेसन 12 में देखो कि जब कोई पोतना वाला झीली में दे रही है, झीली की ये थी, ये कलम मांगे थे देने के लिए, गिफ्ट में देना नहीं है। देखो पहले समझो बाबू, ऐसा कोई जीव है जिसके अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, जो अनुवांशिक गुण होते हैं, उसको बदल करके नया अनुवांशिक गुण विकसित किया जाता है, उनके अनुवांशिक लक्षण में हेर फेर किया जाता है। जो जीन होते हैं, जीन को बदल दिया जाता है और अच्छे किस्म के जीन को उसके अंदर क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। तो ऐसे जंतु को हम लोग कहते हैं कौन, ऐसे जंतु को हम लोग कहते हैं परजीवी जंतु। याद हुआ सबको, समझे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। तो लिख लो, होता नहीं इतना बारे में पहले, ट्रांसजेनिक सब लोग याद रखो, ट्रांसजेनिक। अच्छा इसका ट्रिक सुनो, पहले इसका ट्रिक सुनो सब लोग, ये बताओ पर का मतलब क्या होता है, दूसरा पर का मतलब आजीवी का मतलब क्या होता है, जीनी का मतलब होता है जीव, माने दूसरे जीव से जो जीनी का मतलब होता है, जीन को निकाल कर खराब जो जीन वाले जीव होते हैं उसके अंदर डाला जाता है और उसके अनुवांशिक लक्षण में हेर फेर किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी जंतु कहते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे गाय है मान लो, उसके अंदर मान लो पहले से जीन है, कम दूध देने वाला जीन है, अब उसके अंदर आप हेर फेर कर रहे हैं, ऐसे जीन को उसमें प्रवेश करा रहे हैं कि अब गाय जो है अधिक से अधिक दूध दे, तब ऐसे जो गाय बनेगी उसको हम लोग कहते हैं परजीवी गाय। ऐसे गाय को क्या कहते हैं हम लोग, परजीवी गाय। तो लिखो सब लोग इसके बारे में लिख लो, लिखो ऐसे जंतु जिनमें बाह्य जीन हस्तांतरित किए गए हों तो उसे परजीवी दे दो, उसे अरे दे दो दे दो, अरे कोई दे दिया ऐसा तो हो जाता है कि ये कल में कहीं ऐसे जंतु जिनमें बाह्य जीन स्थानांतरित किए गए हों तो उसे परजीवी जंतु कहते हैं, परजीवी जंतु कहते हैं। आगे लेकिन इन जंतुओं के परजीवी जंतुओं के लक्षण अधिक विकसित होता है। सबको याद करो, हमारा जीन निकालो, अपना जीन डाल लो, तो मैं क्या बन जाऊंगा परजीवी, मेरा जीन जो है निकाल लो, फेंक दो निकाल दो उसको, अपना जीन डाल दो, तो हम आपकी तरह हो जाएंगे, वही मैं कह रहा हूँ परजीवी जंतु। आगे जरूर लिखना कि इसे ट्रांसजेनिक जंतु भी कहते हैं, इसे ट्रांसजेनिक जंतु या रूपांतरित जंतु भी कहते हैं, या रूपांतरित जंतु भी कहते हैं। ये जंतु के अनुवांशिक संगठन में इन चमक रहेगा, इन जंतुओं के अनुवांशिक
आज तो बाबू एकदम इसको याद ही कर लेना है। अनुवांशिक संगठन में, अनुवांशिक संगठन में, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा, अभियांत्रिकी के द्वारा फिर बदल किया जाता है, फिर बदल किया जाता है। कभी ना भूलने वाले हैं ना कभी आप दूर जाने वाले हैं ना, माना आराम से आते हैं। कोई जंतु है उसके जीन को निकालो, अच्छे जीन को उस जंतु के अंदर डाल दो, जिन्हें आप पढ़े हैं ना अनुवांशिक फसल या रूपांतरित फसल, तो पौधे में हम लोग जीन में डाल लेते हैं ना परिवर्तन करके, तो जंतु को में डालेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण में गाय लिख सकते हैं, सर्वप्रथम जंतुओं में परजीनी गाय ही बनी थी, लिख लेना। जितने बने थे ना, कोई पूछता है कि बताओ कि जो बनाया जाता है उसमें किस जंतु को सबसे पहले बनाया गया था? परजीनी गाय को बनाया गया था, गाय को, गाय को, गाय को। ये भौतिकल्पी में कई बार प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले धरती पर कौन से बनाए गए थे जंतु, तो उसका हमने का नाम दिया जाता है गाय। कौन बनी थी? गाय। दुधारू गाय आप जानते होंगे, उसी तरीके से आप हर एक जंतु में परिवर्तन कर सकते हैं। जो गाय है वह बच्चा को अगर चेंज करना चाहते हैं, उसके अच्छे नस्ल के बच्चा अगर लाना चाहते हैं, तो उसके जीन में हम लोग परिवर्तन कर देते हैं और फिर हमें अच्छे क्वालिटी के सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा संतान प्राप्त होता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक भी होता है बाबू, ये ध्यान रखना। मान लो कि उन्होंने गाय दिया, उसके पूरा नस्ल हुए कि आप चेंज करके आखिर नस्ल आएगा कहाँ से, ये भी दिक्कत है। तो ये सब बातें आपको याद करना चाहिए आज, अनुवांशिक रूपांतरित जो होते हैं उसके बारे में कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। सब लोग लिखे कि नहीं लिखे बताइए। आप एक हेडिंग बना लो, परजीनी जंतुओं से लाभ, परजीनी जंतुओं से लाभ मिटाए। अच्छा बताओ, परजीनी जंतुओं से लाभ, अब तो आपने जिंदगी में देख ही रहे हो, जब आई उसके अनुवांशिक लक्षणों को चेंजिंग कर रहे हो अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा, अभियांत्रिकी के द्वारा, तो निश्चित रूप से उससे लाभ होना चाहिए कि नहीं आपको? अभी तो आगे बनाने से क्या फ़ायदा जब लाभ ही नहीं होगा। तो अब जो बात होगी आपकी कि जो परजीनी जंतु होते हैं उससे क्या क्या लाभ होते हैं, परजीनी जंतु से लाभ। और परजीवी भी क्या लिखो, परजीनी ही लिखना है, किताब में क्या दिया है? तो परजीवी परजीनी में कोई अंतर नहीं है, परजीवी कहो चाहे परजीनी कहो, बात हो ये दूसरे के जीव की बात कर रहा है इसमें। देखो इससे क्या क्या लाभ होता है, आपसे कोई पूछे परजीनी या परजीवी से, देखो परजीवी होता है तो परजीवी अलग हो जाएगा, अब परजीनी अब परजीवी ये दोनों एक होता है। तो लाभ कोई आपसे पूछेगा तो पहले तो ये समझिए कि समान शरीर क्रिया का विकास, समान शरीर क्रिया का विकास, ये होला का समझो। परजीनी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से किसी जीन के नियंत्रण और उसके शरीर के विकास और सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन हेतु किया जाता है, जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन किया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि इसका प्रयोग कोई जीव है उसके शरीर पर, जैसे मान लो कि चूहा है और चूहा के अब चाहते हैं कि उसका पूंछ खत्म कर दे आने वाले टाइम में, तो बिना पूंछ पैदा करने वाला जीन उसके अंदर डाल देंगे। अब जब वो जब अगला पैदा होगा, मान लो उसका पूंछ नहीं है, तो आप उसके अध्ययन करेंगे उस चूहा के बारे में, आखिर क्या हुआ, क्या हुआ कि इसका पूंछ नहीं है इस समय, बस बना रहा है। माने कोई जंतु है उसके अंदर क्या करेंगे, जीन में परिवर्तन कर देंगे, और जीन में परिवर्तन करने के बाद दोबारा जब वो जन्म लेगा तो पहले जैसा तो होगा नहीं अब, क्योंकि आपने जीन में परिवर्तन कर दिया है।
तब जब दूसरा का पैदा होगा तो आप उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों गया है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आपने जो जीन डाला उसके बारे में आप जानते थे कि हमें जीन डालेंगे तो वैसा ही पैदा होगा, तो आप इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होगा। तो इसमें भी परजीनी जंतुओं से लाभ होता है अध्ययन करने में कि आखिर ये गुण क्यों छिप गया इसका, पहला बात है। दूसरा ही होता है आपके कि रोगों का अध्ययन करने में, रोगों को अध्ययन करने में अनेक परजीवी या परजीनी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं जिनसे रोग के विकास में जीन की भूमिका का पता लगा सके तथा उनका उपचार किया जा सके। कोनो भी वैक्सीन वगैरह के यूज किया जाता है ना वैक्सीन के, तो चूहा पर ही पहले पड़े, बहुत चूहा मरते हैं सब, चूहा के जान गंवाना पड़ता है साला, सबसे अधिक प्रयोग चूहा पर ही किया जाता है। चूहा छोटा भी होता है, आसानी से कहीं मिल भी जाता है, समझ रहे हो। तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं कि अगर रोगों का पता लगाना है, जैसे कोरोना का वैक्सीन बन गया, सब सोचो अब कोरोना का जो वैक्सीन बन गया ये कोई प्रभाव तो नहीं डाल रहा है, ये नहीं हो कि कोरोना का वैक्सीन बन गया लोग को दे दिया लोग मरना चालू कर दिए, तो पहले इसका प्रयोग किस पर किया जाता है, रोगों का अध्ययन करने के लिए चूहा पर प्रयोग किया जाएगा। चूहा मर गया तो वैक्सीन लोगों को नहीं लगाया जाएगा, फिर उसमें फिर बदल की जाएगी, फिर दूसरा चूहा पर प्रयोग किया जाएगा। कितना चूहा मरते जा सोच लो, 100 को डॉक्टर 100 को चूहा पकड़ उसको वैक्सीन लगाए, जिंदा हो गए। पहले के चूहा जो थे ना खेत में अगर दिया जाता था, क्या दिया जाता था, दवाई दिया जाता था तो खाते थे मर जाते थे। आज के चूहा हुए दवाई खा के मोटा जाता रहा सर, मरने बजे मोटा जा रहे हैं, मरते नहीं गए सर, यानी उतनी के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गया है अब दवाई के प्रति, पहले प्रतिरोधक क्षमता कम था, बता दो टॉनिक के रूप में काम करता दवाइयाँ। हाँ अगला ही सुनो तो ये भी होता कैंसर रोग है किसी व्यक्ति को, तो कैंसर है उसके जांच करने के लिए जानकारी लेने के लिए भी हम लोग परजीवी जंतु का प्रयोग कर सकते हैं। जैविक उत्पाद, अच्छा जैविक उत्पाद का मतलब जानते हैं ना, जैविक का मतलब होता है जीवधारियों से प्राप्त होने वाला उत्पाद, जाइमेस कल मैंने बताया था आपको, ईस्ट से प्राप्त किया जाता है, चाहे तमाम प्रकार के अनेक और भी एंजाइम है अनेक। अच्छा मान लीजिए कि ये भी आपके हैं लैक्टोबैसिलस के नाम से, तो ये भी जीव जंतु है, जीवाणु एक प्रकार का होता है, जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, जहाँ भी बैसिलस आगे जीवाणु होता है, जहाँ कोकाई आगे जीवाणु होता है, बैसिलस का मतलब छड़ आकार के, कोकाई का मतलब होता है गोलाकार आकार के, सब जीवाणु के प्रकार होते हैं। तो जैविक उत्पाद का मतलब होता है कि कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए जैविक उत्पादों से बनी औषधि की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए जैविक उत्पादों से बनी औषधि की आवश्यकता होती है। कौन भी आदमी भाव के जीए खाते औषधि चाहिए ना, तो बहुत ही जन औषधि भाव जो जीवधारी से ही बनाया जाता है। सुनो ध्यान से, परजीनी जंतुओं को उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उनमें DNA के भाग को प्रवेश कराया जाता है जो विशेष उत्पाद के निर्माण में भाग लेते हैं। मानव प्रोटीन या इंसुलिन का भी नाम आप सुने होंगे, टीका और रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, इसका प्रयोग हम लोग टीका बनाने में भी करते हैं। टीका तो जानते हैं बड़े लोग, टीका के हिंदी में क्या कहते हैं, टीका का अंग्रेजी में तो टीका भी बनाने में परजीवी जंतु का ना कहने, टीका बन गई मान लो वैक्सीन बन गई, बनला के बाद आखिर उपयोग कहाँ किया जाएगा, कुछ जंतु पर किया जाएगा ना जी, अभी जो बात हो रही है तो लिखो इसमें कहीं लाभ में पहला लिख लो परजीवी जंतु से लाभ, पहला लिखो मानव शरीर क्रिया और विकास में, मानव शरीर क्रिया एवं विकास में, मानव शरीर क्रिया एवं विकास, इसमें लिख लेना कि मनुष्य के, थोड़ा सा लिख लो, मनुष्य के विकास में या अन्य जंतुओं के विकास में परजीनी जंतुएं अधिक सहयोग करती हैं।
अधिक सहयोग करती है। दूसरा दूसरा देखिए ना, रोगों का अध्ययन करने में खाली हेडिंग बना लो, इसके बारे में आप लिख सकते हैं रोगों को, तमाम प्रकार के रोगों का अध्ययन करने में भी परजीवी जंतु जो होते हैं योगदान देते हैं। तीसरा लिख लो, जैविक उत्पाद में यानी औषधि बनाने में भी जैविक उत्पाद, जाना कि औषधि को बनाने में भी परजीवी जंतु सहयोग देते हैं। चौथा टीका और रासायनिक सुरक्षा परीक्षण में, टीका और रासायनिक सुरक्षा परीक्षण में, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण में यह आपकी विधियां रही।